लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तारी करने से रोक दिया है। इसकी तफसीलात हमें देंगे एहसान अहमद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान, आलिया पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा को बड़ा रिलीफ मिल गया है, अब उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं ली जा सकती, क्या कहना है मजीद अदालत का? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। साथ ही साथ अदालत ने यह हुक्म दिया है कि कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आलिया हमजा के शोहर हमजा जमील मलिक की दरख्वास्त पर समाअत की और इनकी जानिब से जो एडवोकेट सलमान अकरम राजा हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए कि सियासी बुनियादों पर आलिया हमजा के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, एक के बाद एक नए मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और तमाम मुकदमात में जमानत हो चुकी है लेकिन उनको फिर भी रिहा नहीं किया जा रहा। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि अदालत आलिया हमजा की तमाम मुकदमात में हिफाजी जमानत मंजूर करे, जिस पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि 29 अगस्त तक आलिया हमजा को किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अगर आलिया हमजा को गिरफ्तार करना है तो पहले लाहौर हाईकोर्ट से इजाजत लेना होगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए एहसान।